जो ध्यान साधना में व्यक्ति जो ध्यान लगाता है उसके लिए एक स्टैंडर्ड फार्मूला यानी स्टैंडर्ड जो जगह है या स्टैंडर्ड तरीका एक भगवान बुद्ध ने विकसित किया और बताया, क्योंकि उन्होंने ध्यान लगाते हुए देखा कि कौन कौन सी बातें साधना में, तप में, मेडिटेशन में, विपस्सना में परेशान करती हैं। तो उन्होंने ये पाया कि अगर मनुष्य की गतिविधियां जहां होती हैं या जहां बहुत ज्यादा ऐसा धम्मपद गाथा तथा नंबर 99 ये अरहंत वग्गो की अंतिम गाथा है। इसकी कथा के अनुसार एक बार एक भिक्कू एक पार्क में, एक रमणीय स्थल में, एक जहां जन साधारण लोग भी आते थे अपने बच्चों के साथ में, या जहां प्रेमी प्रेमिका भी आते थे, जन साधारण का पार्क था, सभी लोग आते थे, उसमें जाके बैठ गए और ध्यान साधना में रत होने लगे। मगर वहां जो आसपास का जो सार्वजनिक वातावरण था, पब्लिक का वातावरण था, जो वहां का एटमॉस्फेयर था, जो शोर था, जो वहां बच्चों का खेलना कूदना था, जो वहां प्रेमी प्रेमिकाओं की जो चहलकदमी थी, वो सारी आवाज सब उनके ध्यान में आने लगी और वो बहुत ज्यादा व्याकुल और बेचैन हो गए। बेचैन होने के बाद उन्होंने बहुत कोशिश करी कि ध्यान साधना में मन लगे, विपस्सना में मन लगे, मगर लग नहीं पाया। तब उन्होंने इसका कारण खोजा तो उन्हें भगवान बुद्ध की कही हुई ये गाथा याद आई। गाथा इस प्रकार है, रमणी यानी अरई यानी यत ने रमती जनो वीत रागा रमिसंति ने ते काम गवेसिनो। रमणी यानी अरई यानी यत ने रमती जनो, रमणी यानी का मतलब है जो मनोहर यानी रमणीय स्थान है मनोहर, और अरई यानी का मतलब है, अरई माने होता है जंगल यानी जंगल, यानी कि जो जंगल है या पार्क है जो रमणीय स्थान है। यत ने रमती जनो, यत माने ये और अथ यानी यह जो है, नहीं रमते जन यानी जहां पर जो जन है वो नहीं रमते, साधारण जन नहीं जाते ऐसे स्थानों पे जहां जंगल है या जो एकांत है रमणीय स्थान है जहां पर साधारण लोग नहीं जाते। वीत रागा रमिसंति ने ते काम गवेसिनो, वीत रागा मतलब जिनके राग खत्म हो चुके हैं, वीत रागा, और रमिसंति का मतलब है रमते हैं, यानी जो वीत राग हैं जिनके राग और द्वेष खत्म हो गए हैं वो रमते हैं। ने ते काम गवेसिनो, ने माने नहीं, ते माने वे, काम गवेसिनो का मतलब है जो काम वासना के जितने भी हैं उनको खोजने वाले, यानी कि जो ऐसे लोग हैं जो काम वासना को नहीं खोजते हैं। काम वासना का जो मतलब आता है यहाँ वो पांच प्रकार से है। काम वासना का मतलब है कि आपको जिह्वा की वासना हो यानी कि स्वाद की वासना है, या आपको सूंघने की वासना है, या आपको अच्छा अच्छा देखने की वासना है, या आपको काया की वासना है, कोई टच करे, हाथ दबाए, पैर दबाए, मालिश करे, या और भी तरह का जो काया सुख होता है, या आपका जो सुनने की वासना है कि आपको संगीत मिले, कव्वाली मिले सुनने के लिए, बढ़िया बढ़िया चीजें सुरली सुरली सुनने को मिले। तो ये पांच प्रकार के जो खोज होती है, जो ढूंढता है मनुष्य, जो इसको छोड़ देता है उनके लिए वो स्थान रमने वाला होता है, वहां पर वीतरागी रमते हैं, उसकी खोज नहीं करते हैं। ये उन्होंने कहा। जो ध्यान साधना में व्यक्ति जो ध्यान लगाता है उसके लिए एक स्टैंडर्ड फार्मूला यानी स्टैंडर्ड जो जगह है या स्टैंडर्ड तरीका एक भगवान बुद्ध ने विकसित किया और बताया, क्योंकि उन्होंने ध्यान लगाते हुए देखा कि कौन कौन सी बातें साधना में, तप में, मेडिटेशन में, विपस्सना में परेशान करती हैं। तो उन्होंने ये पाया कि अगर मनुष्य की गतिविधियां जहां होती हैं या जहां बहुत ज्यादा ऐसा स्थान होता है कि मन उस तरफ भागे, या जहां बहुत ज्यादा शोर होता है, या जो बहुत ज्यादा ऐसा स्थान होता है जिसमें व्यक्ति का लगाव होता है, जैसे उसका खुद का घर हो गया, या जहां वो काम करता है वो हो गया, या कोई रमणीय जगह ऐसी हो गई जहां उसका बहुत ज्यादा मन लगता है, उसे मनोहर लगता है, तो वहां उसको दिक्कत आ सकती है। इसलिए उसे एकांत चाहिए और ऐसा स्थान चाहिए जहां पे सभी ध्यान लगाने वाले हों, ध्यान तोड़ने वाले ना हों। इसलिए विहारों को विकसित किया गया, विहार बनाए गए,
जो वेणु वन है या जो अरई वन है या जितने भी आम्ब वन है वो सारे सारे उन्हीं में ध्यान क्या करते थे, उसमें एकांत भी होता था, शांति भी होती थी, आम जन का आना जाना भी नहीं होता था और सभी भिक्षु संग रहता था, तो एक दूसरे को प्रेरणा भी मिलती थी, एक दूसरे का हौसला भी बढ़ाते थे ध्यान साधना करने में, तो जल्दी ही ध्यान साधना रत हो जाते थे। इसलिए आप अगर ध्यान से देखोगे तो भिक्षु कभी भी गृहस्थ में नहीं रह सकता, ये नियम है। जो भिक्षु होगा या भिक्षुणी होगा वो घर में रह ही नहीं सकता, नियम है, क्योंकि वो तो वीतरागी हो गया, अब उसके पास में कोई राग नहीं है, कोई द्वेष नहीं है, और घर में तो राग का स्पर्श यानी कि कुछ ना कुछ छोटी मोटी बात चलती रहती है, कभी खाना कुछ बन गया, कभी कोई आ गया, कभी चला गया, कोई दुख है, कोई सुख है, कोई क्रिया है, कोई प्रतिक्रिया है, ये लगातार चलती रहती है जो उसको परेशान करती रहती है। इसलिए गृहस्थ लोग के साथ में मंक या भिक्कु या भिक्कुनी नहीं रह सकते, नन नहीं रह सकती, और नन और भिक्कु के साथ में मंक्स के साथ में गृहस्थ वाले लोग अपने घर में नहीं रह सकते। इसलिए नियम बनाया कि भिक्कु और भिक्कुनी हमेशा विहार में रहेंगे, घर में नहीं। धन्यवाद। आप सभी से ये निवेदन है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है या बाकी वीडियो अच्छी लगी है और आपको लगता है कि धर्म की वीडियो किसी को और मिलनी चाहिए या किसी को गिफ्ट में भेजनी चाहिए या किसी भाषा में कन्वर्ट करके आगे बढ़ानी चाहिए या प्रिंट में किताब में छापनी चाहिए या इसकी जो ऑडियो है उसे निकाल के भेजना चाहिए या इसका किसी पार्ट को इस्तेमाल करना चाहिए, तो आपको लिबर्टी है, आपको छूट है, ये सभी कॉपीराइट फ्री हैं। आप अपने फेसबुक पे, अपने पेज पे, अपने ट्विटर पे या अपने हैंडल पे या लिंक को कहीं भी शेयर कर सकते हैं, कहीं भी चला सकते हैं, आप यूट्यूब पे भी चला सकते हैं, अपने नाम से चला सकते हैं, इसके लिए इजाज़त लेने की या परमिशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप इसको अपना मान के चलाएं क्योंकि धम्म सबका है, हम जो बताते हैं वो भगवान बुद्ध का है या महापुरुषों का है, उन्हीं की बात को सरल भाषा में बताते हैं। हमारा सिर्फ इतना राइट है इस पे कि हम इसको लोड कर देते हैं, बाकी सारी ये पूंजी आपकी है। धन्यवाद। Kameshu Michchara Virmani Sikkhapadam Smadhyami.